सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो हम पिछले कई समय से सिख संगत की हरियाणा की सिख संगत की मांग थी भी इसका प्रबंधन हरियाणा की सिख संगत के हाथ में हो। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो सिख संगत ने खुशी मनाई थी कि ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अब जो मैनेजमेंट कमेटी है वो हमारे हाथ में होगी। लेकिन उसके उलट ये हुआ कि हरियाणा की बीजेपी सरकार और आरएसएस ने अपने आदमी इसमें फिट करके और गुरु ग्रंथ के कब्जे करने शुरू कर दिए, जो कि सिख संगत और जो भी इसमें आस्था रखने वाले लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा जब बड़ी बात वो होगी जब महंत कर्मजीत ने इस जो आंदोलन चला था किसान आंदोलन, उसमें जो लंगर लगे थे उस पर टिप्पणी करी और टिप्पणी भी ऐसी करी, उसने जब बोला एक जैसे नशे में धुत आदमी होता है ऐसा बोला है, हजारों नहीं लाखों नहीं अरबों लाखों करोड़ रुपया लंगरों पे लगा दिया, कुंडली बॉर्डर पे लगा दिया। तो इसके साथ हमारे जो किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया था उनके मन में बहुत भारी रोष है। और उससे भी बड़ी बात, जब सरपंचों ने आंदोलन किया, जब लाठीचार्ज हुआ पिछले कुछ दिन पहले, तो उस समय लंगर लेने के लिए जब नाडा साहब में गए तो उनको लंगर देने से भी मना कर दिया। ये जब अभी तक तो इनके पूरे कब्जे भी नहीं हुए हैं, जब आपने देखा गुरुद्वारों में कब्जे किए हैं, ताले तोड़े किए हैं, पुलिस के बल के साथ कब्जे लिए हैं। हमारा ऐसा नहीं था भी ऐसे गुरुद्वारों में अंदर गुरुद्वारों की बेअदबी की जाए और ऐसे कब्जे लिए जाए। हम तो सिख संगत को चाहते थे भी हरियाणा की सिख संगत का प्रबंधन जो गुरुद्वारे का वो संभाले, तो हमने इसीलिए खुशी जाहिर की थी। लेकिन अब पहले तो हमारे साथ जो SGPC उसने सौतेला व्यवहार किया हरियाणा के साथ, उनके हरियाणा के सिखों की सुध नहीं ली। अब उसी लक्ष्य कदम पर RSS और BJP जो हमारे गुरुद्वारों पर कब्जा करना चाहती है, जो कभी भी सिख संगत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और ऐसे महंत को जैसे महंतों से हमारे पूर्वजों ने हमारे महंतों से निजात दिलाई, महंतों को जो सबक सिखाया, तो अब दोबारा से महंत जो RSS और BJP ने कब्ज किए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी जो अब कमेटी बनानी है इलेक्शन करा के चुनाव करा के हमारी कमेटी बनाई जाए, कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये सरकारी एजेंट, ये सरकारी जो लोग जन्म जो हमारे किसान है चाहे किसी भी वो धर्म का है, जब वो खेती उसकी पक जाती है, जब फसल काटता है, तो पहले सबसे पहले वो अपना अनाज है जो एक साइड में रखता है गुरुद्वारे में देने के लिए, तो उसी किसान को लंगर के लिए मना किया जाए, उसी किसान को लंगर खिलाने के लिए बात की जाए, तो ये कदापि जो मंजूर नहीं होगी।